कोई बात नहीं, साथ में लो उसको। इन्होंने बताया कि 2015 में इसका जन्म हुआ था और आज ये 7 साल की हो गई है। उस समय से लेकर आज तक इसकी नसीर फूटती थी। जब भी सर्दी का मौसम होता था उस समय बहुत ज्यादा इसकी नसीर फूटती थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जे कोई भी गर्म चीज नहीं थी खा सकती, जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, छुआरे, जो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी देते, जिसके कारण इसकी नसीर फटती थी। और जब बताते कि जब जी शरारत भी करती थी, कभी इसको ऐसे हल्का सा थप्पड़ भी लगा देते तब भी इसकी नसीर फट जाती थी, जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। और जे सिस्टर ने बताया कि पिछले साल 25/11/2021 की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड की और प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि जिनकी नसीर फटती है, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। नसीर जैसे खून आता है, नसीर फूटने का मैं उसकी हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ, मैं उसकी हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ। रिसीव करो लेहोरी सखा लबा रे जंबोरे न ले बेबरे सिखा लबा रा बेबदरी संदल होल ले करा बाबा रे सखो डारेली बनारी शिखते धीरी नि सिखंदलो बरी शिखा बेबदी सुखो लला। धन्यवाद करो एक सॉन्ग गाएंगे। और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और उन्होंने इस डेट को नोट किया और विश्वास में बने रहे, और हर एक गर्म चीज जो नहीं दिखा सकती इनकी बेटी, जो विश्वास के साथ इनको देते थे, और आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इसको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। आज ये हर एक गर्म चीज खा रही है, इसको जो प्रॉब्लम कोई नहीं होती, आज ये बिल्कुल इस प्रॉब्लम से परमेश्वर इसको फ्री कर दिया। ये प्रॉब्लम इसको कितने समय से थी? पापा ये शुरू तो मतलब पहला साल जो लंघ गया थी ना, हाँ? दूसरे साल विच हो गई सी, ये कोई भी गर्म चीज देनी नहीं है। कितने साल? साल के 2 साल पहले? नहीं पापा, जब जन्म लिया उदो जब से ये पैदा हुई है। सुनो ध्यान से सुनो। हाँ जी। सुनो एक चीज, मुझे पता नहीं आज किस रीति से गवाहियों को लेते हो अपने जीवन में। आपने एक पॉइंट नोट किया इनकी गवाही से, ये कहते हैं कि जिस दिन मैंने इस हीलिंग को रिसीव किया मेरे मुंह से, अभी सुना ना क्लिप आपने, इन्होंने उस डेट को नोट करके रखा। ये कहते हैं, ये विश्वास, इसको कहते हैं विश्वास। अगर खुदावंद आपके लिए किसी भी चीज के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके छुटकारे के लिए वचन दे रहा है, तो बुद्धिमान बनो जैसे ये बने। देखो कितने विश्वास से इन्होंने वो तारीख, महीना और सन नोट करके रखा। टाइम भी पता पापा ही टाइम है। ओ क्या बात है, पहले तो तारीफ करो इस बात के लिए। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि काम ना होने की वजह के कारण परमिशन नहीं है हम में, क्योंकि हमारी जो पकड़ है। कुछ लोग ऐसे बैठे देखते दुखते रहते हैं, हाँ बाद में वो कई बार बाद में बहुत परेशान है, बहुत माड़े हालात। पहले उनका अंगीकार भी ऐसे ही है, हाँ आए तो वो हजूरी में, पहले वो इधर उधर देखते रहेंगे, और बाद में काम खुदा का आत्मा छुएगा नहीं, और बाद में बोले हम तो बहुत परेशान है जी, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। समझ आ रही है? मैं कुछ कहना चाहनी हां, ए परसों अंगूर ले आंदे, मैं कहा बेटे थोड़े खाने ही, इंदी मम्मा मैं सारे खा लेंदो, पापा जी ने गवाही देनी है। क्या बात है, हां जी अंगूर भी खांदी सी ना, ओ भी गरम काले अंगूर गरम होंदे ने, दे वास्ते ते गरम है ते ओ भी खांदी ते नसील फुट जांदी। अच्छे से दबा के चेक किया, अद्धा किलो दे अद्धा किलो सारे खा गई, बस ठीक है। हां बादाम ही देते, अखरोट भी, मूंगफली भी, पापा बिल्कुल फ्री यार, की कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनो। क्यों नहीं करेगा बोलो, बोलो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पकड़ जब सही होगी। बोलो देखो, इन्होंने अपनी हीलिंग का टाइम तक नोट करके रखा है, देखो तो क्यों नहीं करेगा? कोई भी वर्ड बोल दे जड़े मेरे मन नु छूंदा, मैं उस वेले नोट कर दी हां जदों दी आ रही हां। अगर सब लोग ऐसे करेंगे तो सब लोग गवाहियों से आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर सब इस रीति से पकड़ करेंगे, क्या सबके सब गवाहियां से आएंगे कि नहीं आएंगे सब? हां जी। तारीफ करो इस बात के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से।